नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत सर इटावा यूट्यूब चैनल के थ्रू एक नए बैच का प्रारंभ हुआ है और उस बैच के करंट अफेयर्स और जीके के की फैकल्टी के तौर पे मैं राहुल आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सीधे प्रश्न की बात करते हैं, सीधे टॉपिक की बात करते हैं। प्रश्न नंबर वन, भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 जनवरी। जनवरी माह में प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी या प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है और इस आयोजन का जिम्मेदार मंत्रालय जो है वो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या विदेश मंत्रालय, हमारे देश की, या केंद्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज हैं। यह हालिया न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया। उस वेबसाइट का सीधा संबंध प्रवासी भारतीय दिवस से है और इस बार का भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस बनारस शहर में आयोजित होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बनारस क्यों हाईलाइट है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से ये सांसद हैं, तो इसलिए अति महत्वपूर्ण होता है। और इस बार के आयोजन में जो मुख्य अतिथि होंगे वो पीएम प्रधानमंत्री होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनाथ। चूंकि ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, इस वजह से इनको मुख्य अतिथि बनाया गया है। और इसका प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का जो मुख्य औचित्य है या मुख्य तर्क है वो यही है कि जो भारतीय हैं, जो अन्य देशों में सर्विस दे रहे हैं या अन्य देशों में मुख्य पदों पे आसीन हैं, उनको हमारी संस्कृति से जोड़ना, उनको भारतीयता से जोड़ना और उनको अपने मूल आधार तक लाए रखना, ये इस पर्व का, ये इस दिवस का, ये इस आयोजन का मुख्य केंद्र है। ठीक है, प्रश्न नंबर दो की बात कर लेते हैं। युवराज वाडवानी किस खेल से संबंधित हैं? युवराज वाडवानी एक बहुत ही युवा स्पोर्ट्स पर्सन है और ये स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। जी हाँ, स्क्वैश खेल, काफ़ी लोग होंगे जो स्क्वैश खेल को नहीं जानते होंगे। तो मैं बता दूँ, स्क्वैश खेल एक ऐसा खेल होता है जो एक कोर्ट में खेला जाता है, मतलब एक वॉल्ड कोर्ट होता है, चार दीवारी होती है और उसमें एक तरफ प्लेयर होते हैं और दूसरी तरफ वॉल होती है। उस वॉल में टेनिस से बॉल को हिट किया जाता है, वो बॉल दीवार पर जाती है और वापस उनके रैकेट तक आती है। इस तरह से ये खेला जाता है। स्क्वैश की और भी बेहतरीन प्लेयर्स हैं भारत में, उसमें से एक नाम है दीपिका पल्लिकर जो काफ़ी उम्दा स्क्वैश खेलती हैं, एक दूसरा नाम है जोसना चिनप्पा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीन की बात कर लेते हैं। भारत का पहला मकई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? जी हाँ, मकई, मकई का मतलब हम सब जानते हैं मक्का, तो ये वहीं मनाया गया होगा जहाँ पे मक्का का प्रोडक्शन, मक्का की फसल जो है सबसे ज़्यादा हुई होगी, ऐसे ही राज्य में इसका महोत्सव मनाया गया होगा। तो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वर्ष का सबसे ज़्यादा मकई उगाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला, ये वही जिला है जो नक्सलाइट है। जी हाँ, हम लोग आए दिन टेलीविज़न पे, आए दिन अखबार पे ये खबर सुनते रहते हैं कि छिंदवाड़ा में नक्सलियों ने मुठभेड़ में या फिर लैंड लैंड माइन ब्लास्ट करके हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया या किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हुई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर चार की बात कर लेते हैं। एशिया कप क्रिकेट 2018 का आयोजन किस देश में हुआ था? एशिया कप क्रिकेट, जी हाँ, जो अभी चंद दिनों में अभी समाप्त हुआ है, वो क्रिकेट कप जिसमें इंडियन टीम ने क्या नाम है अपना, इंडियन टीम ने फाइनल को जीता है, वो उसका आयोजन यूएई में हुआ है। ये गल्फ कंट्री है, यूएई सब जानते हैं, इस देश की कैपिटल अबू धाबी है। प्रश्न नंबर पांच की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? जी हाँ, 3 अक्टूबर 2018 को नए मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे और जो उनका कार्यकाल होगा, कार्यकाल के तौर पे, ये नाम के तौर पे, वो 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये नाम है रंजन गोगोई। जी हाँ, रंजन गोगोई साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये कॉलेजियम सिस्टम से बनता है, जो भी, जो वर्तमान निवर्तमान सीजीआई हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं, वो एक अपनी तरफ से नाम रिकमेंड करके प्रदेश केंद्र सरकार को सौंपते हैं और जो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के या सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जी ने रंजन गोगोई साहब का नाम केंद्र सरकार को दिया और वही इस पद पर आसीन होने वाले 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो प्रश्न नंबर छः की बात कर लेते हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
जी हाँ, बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक है। इसका मुख्यालय ऑप्शंस हैं मुंबई, लखनऊ, न्यू दिल्ली, कोलकाता। तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। हाल ही के दिनों में इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक रेस्ट्रिक्शन, एक बंदिश लगा रखी है कि आप अब इतर, मतलब आप अब आगामी शाखाएं नहीं खोल पाएंगे। उसका कारण है, ये है कि इन्होंने कोई भी नॉर्म्स, जो बैंकिंग रेगुलेशंस होते हैं, बैंकिंग नियम होते हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने कोई काम किया हुआ है। इस वजह से आरबीआई ने ऐसी बाध्यता लगाई है इन पे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न 2018 किसको मिला है? बहुत महत्वपूर्ण, इस माह का, इस दिवस का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। राजीव गांधी खेल रत्न 2018 किसको मिला है? तो इसके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, हिना दास। तो ये अवार्ड इस साल का गया है मीराबाई चानू और, आप सोच लें, मीराबाई चानू के साथ साथ एक पुरुष को भी ये अवार्ड दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न। जी हाँ, बहुत ही नामचीन हस्ती हैं, वो क्रिकेट से संबंधित हैं। आप इनका नाम सोच सकते हैं, और इनका नाम है विराट कोहली। जी हाँ, एक पुरुष एक महिला को ये अवार्ड दिया गया है 2018 के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न, मीराबाई चानू और विराट कोहली। मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है, और इन ये 48वें 48 kg वर्ग से वेट लिफ्टिंग करती हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। फोर्थ भारतीय या चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, कलकत्ता। तो इसका सही ऑप्शन है लखनऊ। अभी हाल ही के दिनों में हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, या इन भारतीय इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन किया हुआ है लखनऊ में। ठीक है, तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग नोट करते रहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। और बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष, धन्यवाद।